दिस इज़ मी इनाया एंड यू आर वॉचिंग लाइफ विद इनाया यूट्यूब चैनल। से कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस आज हम बनाना जा रहे हैं चना पुलाव। सो इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको कट कर लिया। उसके बाद हमने तीन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उन्हें कट कर लिया। और तीन हरी मिर्चें ली, उनको बारीक बीच में से कट कर लिया। देन हमने तीन गिलास चावल लिए, एक किलो हमने चावल लिए, ठीक है। उन्हें हमने साफ़ करके भिगो लिया। उसके बाद हमने एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। और इन चावलों की सबसे स्पेशल बात है कि हम इनमें यखनी यूज़ करेंगे। मटन की यखनी थी मेरे पास, दो कप हम इसमें वो डालेंगे। और हमने दो अदद बड़े आलू लिए, उनको कट कर लिया। और फिर हमने एक बोल चनों का लिया। फिर ड्राइड मसालाज में हमने नमक लिया एक टेबल स्पून, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा लिया हमने मिक्स, ठीक है, गरम मसाला कड़ी पत्ते के साथ और सब कुछ। फिर हमने एक बड़ा पतीला ले लिया, इसमें 6 चम्मच हमने तेल गरम कर लेना है। तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तो हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं और उनको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमने इसमें ऐड कर ली है, अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इनको हमने ना नॉर्मल फ्लेम के ऊपर प्याज को जो है वो मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और इनको हमने तब तक जो है वो पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ऑलमोस्ट हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद जितने हमारे पास ड्राइड मसालाज हैं हम वो सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद हमने इसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा सब कुछ लिया था, इन सबको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। क्या करना है, इसके अंदर हम आलू शामिल कर लेंगे, ठीक है। हम टमाटर जो है वो आलूओं के बाद शामिल करेंगे ताकि हम आलूओं को इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लें, ताकि ये जो है इनको गलने में फिर ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसलिए हमने आलू जो है वो पहले ही ऐड कर लिए हैं। अब हम आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। 5 से 10 मिनट इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर और ग्रीन मिर्चें शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है कि मसाला जो है वो नीचे ना लगे, वरना चावलों में अजीब सा टेस्ट आ सकता है। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है, ठीक है, जब तक कि जो टमाटर है हमारे वो सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से। इसे मज़ीद हम थोड़ा सा भून लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चने थे हम इसमें वो ऐड कर लेंगे। चने ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। करना है इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेरे पास जो था घर का अचार था बना हुआ, मैं थोड़ा सा इसके अंदर वो शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आप कर लें, वरना ना करें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप अचार इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें घर का बना हुआ थोड़ा सा अचार शामिल किया और अब इसमें मैं हल्का सा पानी शामिल कर दूँगी, ठीक है। और जो है ये चने और आलुओं को जो है, चने तो ऑलमोस्ट गले हुए थे, बॉयल थे, आलुओं को अच्छे से मैं गला लूँगी। जैसा कि मैंने बताया, मैंने ना 3 बड़े गिलास जो है ना, बड़े कप वो चावल के लिए, तो इसमें जो है ना मैं अब 6 कप जो है वो पानी ऐड करूँगी, ठीक है। मेरे पास जो थी वो यखनी थी, 2 कप मैंने वो ऐड की। उसके बाद जो है वो मैंने बाकी 4 कप पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं।
वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 2 कप मिस हो गए हैं, बट मैंने पूरे 6 ग्लास ही ऐड किए थे इसमें। इसमें जब हम पानी ऐड कर लेंगे तो पानी ऐड करने के बाद जो है हम इसको ढक के रख देंगे ताकि इसमें जो है वो अच्छे से बॉयल आ जाए। हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास चावल थे भिगोए हुए, हम वो इसमें डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है और फिर जो है वो ढक के रख देना है तब तक जब तक कि पानी ऑलमोस्ट इसमें से सूख ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पानी सूखना शुरू हो गया। अब हम इसको जो है वो दम दे देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे। आप किसी भी भारी चीज़ से इसको दम दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं तैयार है बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस चना पुलाव। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर करना।